गायकी में थे तो उस समय 50 के दशक में गुरुदत्त साहब को पर्दे पर देखना वाकई मतलब बोलते हैं कि किसी परिदृश्य को जीवन देखना था। तो इसमें बड़ा ही मार्मिक परिदृश्य है इस गीत का कि गुरुदत्त साहब किसी कोठे पर महफिल में बैठे होते हैं और वहां पे जो रकासा होती है, रकासा कहते हैं जो कोठे पर गाती नाचती है, तो वो रकासा जो है वो उसको मजबूर किया जाता है कि वो कुछ गाए, वो कुछ नाचे, कुछ मनोरंजन करे। वो करती भी है, करना चाहती भी है, लेकिन पालने से उसके बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों तक आती है और वो बिल्कुल उस समय सोचिए किसी माँ पर क्या गुजरे, क्या उस समय उसको गाना बजाना अच्छा लगेगा, लेकिन चूंकि वो कोठे पर रहती है तो वो बिल्कुल वो दृश्य उनके सीने में चुभ जाता है और वो बिल्कुल वहां से बाहर आ जाते हैं वो छोड़ करके। और ये गीत परिदृश्य जो इस गीत का है वो ये मार्मिक परिदृश्य है। तो मतलब गुरुदत्त साहब उस समय सोचते हैं जिस जो इस गीत में आपने हर जितने भी इसके बंद सुने, इस गीत के हर एक बंद में आपको कुछ उस तरह की ही चीजें देखने को सुनने को मिली कि मतलब औरतों का शोषण कैसे हो रहा है, या बाजार की दुनिया है, सिक्के और असरफियों की दुनिया है। एक औरत उसकी आवरू अगर कहीं पर वो माँ है, कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं कुछ है, तो कहीं एक रकासा भी बैठी है। तो ऐसा मार्मिक परिदृश्य है और इसको बयां करना वाकई रफी साहब जैसे ही शख्सियत के बस की बात थी, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे शख्सियत को मैं आज फिर नमन करते हुए अब जो मैं यहाँ से जो आगे जो इस काफिले को बढ़ाऊंगी उसके पहले भाई हम सबसे पहले अपने जो यहाँ साजिंदे बैठे हैं, हमारे जो म्यूजिशियंस बैठे हैं, मैं उनका अब एक आपके सामने सांगीतिक परिचय लेकर आऊंगी, जो परिचय ये खुद अपने साज से आपको पहले भी दे चुके हैं और अभी एक बार फिर देंगे, उसके बाद मैं इनका परिचय आपसे कराऊंगी। देखते हुए अभी साजिंदों के साथ साथ मैं हर्षवर्धन जी को भी मंच पर, चूंकि वक्त जाया ना हो, और अगली जो गीत आपके सामने हर्षवर्धन लेकर आ रहे हैं वो गीत भी वही है रफी साहब का, रुमानियत से लबरेज गीत पुकारता चला हूं मैं। तो आइए दोनों का परिचय साथ साथ सुनते हैं। Yeah.
सुपुत्र हैं, बहुत बहुत अच्छा गाया बच्चे आपने। और इसी के साथ में परिचय हमारे देवेंद्र सर इस ग्रुप के क्या हस्ती हैं, वो किसी परिचय के मोहताज मेरे समझ से नहीं है, किसी को परिचय की जरूरत नहीं ना। तो और देवेंद्र सर के साथ आइए, मैं बाकी जो सजिंदे हमारे बैठे हैं उनका परिचय देवेंद्र सर जानती हूँ। चलिए ये खुद अपना परिचय आपको देंगे, आइए देखते हैं कीबोर्ड पर रवि गोडवाल फरीदाबाद से। और ऑक्टा और परकसन पे कौन है आइए देखते हैं, रोशन कुमार रोशन। और यहाँ भाई ऑक्टा सॉरी ये परकसन पे थे, और ऑक्टा पर कौन है उमेश गढ़वाल। वाह, इसी के साथ थोड़ा जोरदार तालियां हमारे भाई म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि आप सोचिए अमूमन जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें महज उनको लगता है 20-22 गाने होते हैं, और आज की अपने ग्रुप में कितनी परफॉर्मेंसेस होनी है लगभग हाफ सेंचुरी पार। इतने गानों को प्रिपेयर करना किसी भी मामूली म्यूजिशियंस के बस की बात नहीं, तो उसके लिए हैट्स ऑफ तो सबसे पहले देवेंद्र सर को और उनकी पूरी टीम को। अब आइए मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको जो रफी साहब के जीवन से ही रिलेटेड है, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। रफी साहब का जो रूम है, जो कमरा है जिसमें उनकी सारी चीजें रखी हुई हैं, उसमें एक बहुत नायाब चीज रखी है उनके किसी चाहने वाले की तरफ से उनको गिफ्ट हुई थी। वो थी एक पोर्ट्रेट जो हाथ से किसी ने स्केच करी थी। उस स्केचिंग की खासियत ये थी कि उसमें जो स्केच की लाइंस थी, आउटलाइंस जितनी भी थी, जो शेड्स थे, वो सारे के सारे या तो रफी साहब के गीतों के बोल पर हैं या तो उनके फिल्म के नाम पर है। और ऐसे ही रफी साहब के चाहने वाले हमारे बीच में भी खन्ना साहब बैठे हैं, और आज इन्होंने भी बड़ी शिद्दत से एक पोर्ट्रेट बना करके रफी साहब की आज हमारे बीच यहाँ रफी साहब को जीवंत किया है। तो एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगी के खन्ना साहब के लिए। और क्या कहूँ, ये थोड़ी सी लापरवाही रही सर कि आपका पोर्ट्रेट जो दिया था वो उसकी शीशे कांच टूट गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कांच टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन तो वो हम सभी के दिलों में है। तो आइए अब मैं अब अगला गीत आपके सामने लेती हूँ, वो है उषा जी की तरफ से। मैं उषा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। उषा शर्मा जी, और उनकी गीत है आने से उसके पहले मेरे पास तो मैं आया। ठीक है, तो इनका गीत है आने से उसके आए बाहर जीने की राह मूवी से, और ये विदाउट म्यूजिक है। ठीक है, कहते हैं ना कि हसरते दीदार की ख्वाहिश लिए हर दर बदर घूमता है,
जहाँ भी मिले तेरे अक्ष अपने होठों से उन्हें चूमता है। क्यों? क्योंकि उसको तो इंतजार होता है कि एक झलक मिल जाए मेरे महबूब की, एक झलक मिल जाए मेरे महबूब की।